हेलो फ्रेंड, देखिए तो आज हम ये जो सॉक्स बनाने जा रहे हैं ये 5 और 6 नंबर के साइज का है। देखिए मैंने उसके नीचे जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका एक हिस्सा बना लिया है मैंने, कि हमने 46 फंदे डाले हैं और एक पार्ट बना लिया, कंप्लीट कर लिया। दूसरा पार्ट हम बनाएंगे इसी तरह से, इतना ही जितना हमने ये वाला पार्ट बनाया है उसी तरह से दूसरा पार्ट बनाएंगे। इसमें देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सलाइयाँ बुनकर 10 20 सलाइयाँ हैं और ये 10 लाइनें हैं। ये जो इस तरह से दिख रही हैं ये 10 लाइनें हैं और 20 सलाइयाँ हैं। 20 सलाइयाँ हमने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम दूसरा पार्ट इसका बुनेंगे। तो देखिए ये दूसरे पार्ट के लिए एक ही पैर के 2 पार्ट बुनेंगे हम, बाद में दोनों को जोड़ेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। और देखिए हमने इसमें 46 फंदे डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। और इसको डबल करेंगे तो 46 यानी 40 फंदे हो जाएंगे हमारे। और देखिए सीधी तरफ से हैं, हम उल्टी सलाई बुनेंगे। दोनों तरफ से हमें उल्टी ही सलाइयाँ बुननी हैं, सीधी तरफ से भी उल्टी बनानी है और उल्टी तरफ से भी उल्टी ही बनानी है। फंदे ज़्यादा टाइट नहीं डालेंगे, अगर टाइट डालेंगे तो नीचे से खिंचती रहती है, इसलिए नॉर्मल फंदे डालेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं, लूज भी ज़्यादा लूज भी नहीं। पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हमने सीधी तरफ से एक उल्टी सिलाई बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी तरफ से भी उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी तरफ से भी उल्टी ही सलाइयाँ बुननी हैं। तो इसी तरह से हमें 20 सलाइयाँ बुननी हैं और ये तो जो लाइनें दिख रही हैं ये हमें 10 बनानी है, उल्टी तरफ से भी 10 और सीधी तरफ से भी 10। तो 10 लाइनें और 20 सलाइयाँ बुनने के बाद में हम आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने 10 सलाइयाँ बुनकर 20 सलाइयाँ और 10 लाइनें बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारी ये लाइनें जो दिख रही हैं ये वाली 10 हैं और सलाइयाँ हमने 20 बुनी है। 20 सलाइयाँ बुनने के बाद में अब हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे। तो देखिए अब दोनों हिस्सों के फंदे को हम इस तरह से लेंगे। ये एक फंदा हमने नहीं बुना है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया हमने अभी। अब देखिए इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे। अब देखिए इससे हमारा जो बीच का ज्वाइंट है ये जोड़ ये हो गया है। अब हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने जोड़ दिया है। यही हमारे सेंटर का फंदा है, यहीं पर हम आगे आप देखिए पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। ये हमने अपनी उल्टी सिलाई बुनकर पूरी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए राइट साइड में सीधी तरफ से हम आ गए। सीधी तरफ से अब हम सीधी बुनेंगे। अब देखिए ये हमने 45 फंदे सीधे बुन लिए हैं, यहां से यहां तक 45 फंदे हैं और इधर भी हमारे 45 फंदे हैं। पहले 46 थे,
फिर हमने एक कम कर दिया है तो हमारे 45 इधर है, 45 इधर है, और एक फंदा जो एक्स्ट्रा था वो ये रहा सेंटर का। तो अब हम देखिए किस तरह से करेंगे, ये वाला जो फंदा है इसको हम बुनेंगे नहीं, इस वाले फंदे को इस तरह से पीछे से लेते हुए आगे लाएंगे और इस फंदे को हम पीछे ले जाएंगे और इस तरह से घुमाकर इस सिलाई में वापस करेंगे और फिर तीन फंदों को एक साथ सीधा बुनते हुए लेंगे। इस तरह से हमारा एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से एक एक फंदा कम हो गया है। फिर हम पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। ये हमने अपनी सीधी तरफ से सीधी सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर लिया है, पूरा बुन लिया है हमने सीधी तरफ से। अब उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। उल्टी तरफ से हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बुनना है। अब देखिए उल्टी सिलाई तो हमने उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है, पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। अब सीधी तरफ से फिर से सीधी सिलाई, सीधी तरफ से हर बार हमें सीधा बुनना है और उल्टी तरफ से हर बार हमें उल्टा बुनना है। सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ तक अपने सीधे फंदे बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये सेंटर का फंदा है, यहाँ पर हम फिर से चाहे तो फंदों को आप इस तरह से भी घुमा सकते हैं। दोनों फंदों को निकाला और इस तरह से फिर से सिलाई में वापस किया, फिर तीन फंदों को एक साथ लेते हुए बुन देंगे हम। तो देखिए हर बार हमें सीधी तरफ से इसी तरह से यहाँ पर आकर सेंटर पे ये फंदा, ये जो इस तरह से बन रही है, यहाँ पर हमें एक इधर से और एक इधर से, दोनों तरफ से हमें एक एक फंदा घटाना है। और हम उल्टी तरफ से नहीं घटेगा ये फंदा, सीधी तरफ से ही घटाएंगे केवल। उल्टी तरफ से फंदा नहीं घटेगा और सीधी तरफ से ही फंदे को घटाना है हमें। और हम ये जब तक घटाएंगे, जब हमारे 51 फंदे बचेंगे तब हम घटाना बंद कर देंगे, फिर उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो ये जब तक 51 फंदे हैं बचेंगे तब तक हमें घटाना है और इसी तरह से बुनना है, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई और सीधी तरफ से यहाँ पर सेंटर में आकर एक एक फंदा दोनों तरफ से घटा देना है। तो इतना मैं पूरा बुनने के बाद में, फिर मैं जब 51 फंदे बचेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमने यहाँ तक फंदे घटाए हैं, जब हमारे 51 फंदे बचे हैं, 50 और एक 51 फंदे हमारे बचे हुए हैं। हमने सीधी तरफ से हर बार घटाया है, एक इधर से और उल्टी तरफ से नहीं घटाए फंदे। अब हमारे 51 फंदे बचे हैं, ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ से हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। पूरी सिलाई को हमें उल्टा बुनना है, पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। ये हमने सीधी तरफ से उल्टी सिलाई को पूरा बुन लिया है। अब उल्टी तरफ से भी हम उल्टी ही सिलाई बुनेंगे, उल्टी तरफ से भी हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमें 9 सिलाइयाँ बुननी हैं। ये जो लाइन दिख रही है उल्टी, ये सीधी तरफ से 5 और उल्टी तरफ से 4, ये 4 लाइनें बन जाएंगी इधर उल्टी तरफ और सीधी तरफ 5 लाइनें। 5 लाइनें बुनने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमने सीधी तरफ से 5 लाइन, 1 2 3 4 5 5 लाइन बुन ली हैं और उल्टी तरफ से 4 हैं, 1 2 3 4 उल्टी तरफ से 4 और सीधी तरफ से 5। अब हम इसको बंद कर देंगे, यहाँ से सारे फंदे हम बंद कर देंगे इस तरह से।
अब हमने ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं, ये देखिए पूरे सारे फंदे बंद कर दिए। अब हम इसको सिलाई करेंगे। पहले हम ये वाला हिस्सा सिलेंगे। अब ये इधर वाला हिस्सा सिलेंगे। यहाँ पर हम गांठ लगाकर बंद कर देंगे इसे। हमने यहाँ पर धागा गांठ लगाकर जोड़ लिया है। अब ये वाला पार्ट सिलेंगे, ये वाला हिस्सा ये हम सिलेंगे। अब ये हमने नीचे वाला पार्ट पूरा सिल लिया है, ये देखिए ये हमारा नीचे का पार्ट सिल गया है। अब ये साइड का हिस्सा सिलेंगे हम, इधर से यहाँ तक। ये हमने ऊपर तक पूरा सिल लिया, अब इसमें गांठ लगाएंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। देखिए ये हमारा मोजा बनकर तैयार हो गया है।